दूसरे ने बोला कि आप तो एक घृणित जाति से आते हैं, और आपने भी मान लिया हाँ मैं तो घृणित जाति वाला हूं, तो ये बड़ा खतरनाक है। आप क्यों मानते हैं? आप अपने आप को मानो कि मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, और कैसी भी परिस्थिति आए उसको फेस करने की शक्ति मेरे अंदर है। ऐसा व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए, तो फिर आप श्री राम की तरह ही अपने आप को खड़ा पाएंगे, हर मुसीबत में झुकता हुआ नहीं पाएंगे। तो ये विचार का ही है, बस विचार को इधर लगाया तो आप दुखी होते चले जाएंगे, दूसरों को ब्लेम करते चले जाएंगे, और दूसरों को सुधरना नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है, हमें लग रहा है कि वो सुधरे हुए नहीं है, पर वो अपने स्थान पे बिल्कुल ठीक है। नीम कड़वा है, गन्ना मीठा है, दोनों अपनी जगह ठीक है। नीम को कड़वा ही होना चाहिए, वही उसका स्वभाव है, गन्ने को मीठा ही होना चाहिए, वही उसका स्वभाव है, और हम दोनों को स्वीकार करते हैं। नीम के साथ जाके कभी झगड़ा किया किसी ने? आप इतने कड़वे क्यों हो? इसी क्यारी में आप हो, इसी क्यारी में ये गन्ना लगा है, ये इतना मीठा है, आप इतने कड़वे, वही पानी आपको देते हैं, वो इसी को देते हैं, वही मिट्टी इसको, यही मिट्टी आपको, तो आप इतने कड़वे क्यों हो? तो वहां आप क्या कहते हैं, क्या कहना है आपका दोनों के बारे में, नीम और गन्ने के बारे में? आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछें भाई इतना एक ही क्यारी में लगे दोनों, तो नीम इतना कड़वा क्यों है और गन्ना इतना मीठा क्यों है, तो क्या बोलोगे? बस अपने अपने स्वभाव के कारण। दोनों का अपना अपना स्वभाव है, नीम अपनी जगह ठीक है, गन्ना अपनी जगह ठीक है, कष्ट दे रहा है वो अपनी जगह ठीक है, सहन कर रहा हो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि कष्ट देने वाले का वो ही संस्कार है, और वो तब बदल सकता है जब वो खुद उस बात को रिकॉग्नाइज करे कि मुझे बदलना है अपने आप को। आपको क्या लगता है कि हम तो बहुत लोगों से परेशान होते हैं, हमें ऐसे लगता है ना कि कितने लोग हमें तंग करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपसे कोई भी परेशान नहीं होगा? बहुत लोग हमारे से भी परेशान होते हैं, हमें नहीं पता लगता है। तो ये हर व्यक्ति के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण पसंद नहीं आता है, और हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अब इनको ना पसंद आए तो हम क्या करें, और उन व्यक्तियों को लगता है कि नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनको तो ऐसे करना चाहिए। तो इस समस्या का कोई बाहर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो यही है श्री राम वाला ही, जो भी हो रहा है अब वो भाग्य के तहत हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात, एक सर पे कर्जा था उतर गया, पूर्ण हो गई, और यदि ये नया हो रहा है बिना भाग्य के तो इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति मैं नहीं हूं, पर मुझे तो अपने आप को संभाल के रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं अगर दूसरों की समस्या का समाधान ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, पर खुद तो समस्या ना बनूं, अपने समस्याएं तो मैं सुलझा ही सकूं। और जिस दिन व्यक्ति, हर व्यक्ति ये संकल्प कर लेगा कि मुझे अपनी समस्याएं खुद सुलझानी है, तो हर व्यक्ति की समस्या सुलझ चुकी होगी और संसार समस्याहीन व्यक्तियों से भरा हुआ होगा। गुरुकुल में हर ब्रह्मचारी, हर सन्यासी ये सोच ले कि भाई मुझे अपनी समस्या कम से कम दूसरे के ऊपर नहीं डालनी है, मुझे समस्या से रहित रहना है, मैं अपने सॉल्यूशन खुद करूंगा, ऐसे सब ब्रह्मचारी सोच लें तो फिर गुरुकुल में समस्या बचेगी किसकी? दीवारों की तो कोई समस्या है नहीं, मकानों की कोई समस्या नहीं है, व्यक्तियों की है ना, तो अपने अपने सब सुलझा लें, अपने अपने चरित्र को सब ऊंचा उठा लें, अपने अपने भूलों को ठीक कर लें, अपने अपने गुणों को विकसित कर लें, तो सारा गुरुकुल दिव्यता से भर जाएगा। और जब अपनी वाली वीकनेस पकड़ में नहीं आती है, पकड़ में आ जाए तो सुधरने में नहीं आती है, आदतों के गुलाम है, और दूसरे की आदत सुधारने के लिए पूरी जी जान से ताकत लगा देते हैं, तो एनर्जी बची नहीं, अब हमारे पास जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी वो तो दूसरे को सुधारने में लगा दी,
अपने वाली पकड़ में नहीं आई, पकड़ में आई तो वहां उसको सुधारने के लिए अब शक्ति बची भी नहीं, तो दोनों ही दुखी फिर। तो ये इसकी शुरुआत विचार से ही होगी। सबसे पहले हमें एक विचार करना है कि मेरी जैसी भी स्थिति है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं दुखी हूं तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं रोगी हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, मन से अप्रसन्न हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, कुछ भी मेरे अंदर और गुण है तो भी पढ़ाई में मैं अब्बल आता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, स्वस्थ रहता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है उसको मेंटेन करना, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। बस इसमें इतना है कि हम अच्छे के लिए जब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो उस अच्छाई में दूसरों का सहयोग भी होता है, तो उस सहयोग को यदि हम अभिव्यक्त करते हैं या अपने मन में मानते हैं तो उससे विनम्रता गुण आता है फिर, तो इसलिए उसमें सहयोग मानना चाहिए। बुराई में भी दूसरे सहयोगी होते हैं हमारे वो आदत स्वभाव बनाने में, पर वहां उनको सहयोगी मानने से फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे, तो इसलिए वहां उनको सहयोगी नहीं मानना चाहिए, वो अपने स्थान पे कैसे भी रहें मुझे अपने आप को ठीक करना है, और यहाँ उनको सहयोगी मानना चाहिए क्योंकि उससे मेरी अच्छाई और ज्यादा मल्टीप्लाई होके और ज्यादा अभिव्यक्त होती है। कोई व्यक्ति अपने ही पुरुषार्थ से अच्छा बनता है, विद्वान बनता है, ज्ञानी बनता है, विनम्र बनता है, साधक बनता है, लेकिन फिर वो ये और कह दे कि ये सब गुरुजनों ने सिखाया, गुरुजनों ने बताया, तो इससे उसके अंदर एडिशनल एक गुण और आ जाएगा विनम्रता का और कृतज्ञता का, तो उसकी कीमत बढ़ गई ना फिर। तो इसमें सारा खेल विचार का ही है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने शास्त्र योग दर्शन की शुरुआत विचार से ही की, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये जो ब्लेम गेम है, दूसरे को हम दुख का कारण मानते हैं, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक विचार है, इससे हमें बचना है। इसी को क्लिष्ट वृत्ति कहा है, कष्ट देने वाला है ये दुख। ठीक है, दुख तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा है दुख, कोई हमें ऋण चुकाना था, दुख आया और चुक गया तो कितनी अच्छी बात है, मुक्त हो गए, हल्के हो गए। किसी का सिर पे ऋण होता है और वो हम चुका देते हैं तो कैसा लगता है देने के बाद, बिल्कुल फ्री लगता है कि भाई आज वजन उतरा सिर से, दुख था हमारे कर्माशय के अनुसार उठा लिया, मुक्त हुए, कितना अच्छा है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, ऐसे मानना चाहिए। चलो आगे और पूछना है किसी को। दीदी प्रणाम, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमने कोई व्रत लिया हुआ है कि मुझे ये करना है करके, और टारगेट भी लेके रखे हुए हैं कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे आज दिन भर में इतना काम करना है करके, तो हमारा जो लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में हमारा व्रत खंडित होने के कगार पे आ जाता है, जैसे कि हमारा जो टारगेट लिए हैं कि आज मुझे दिन भर में ये करना है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, और जो व्रत लिए हैं वो बाधित होने लगता है लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में, तो दोनों में से कोई एक सा भी टूटता है तो हमें आत्मग्लानी होती है कि मेरा ये वाला व्रत टूट गया या फिर ये जो टारगेट लिया था वो नहीं पूरा कर पाए, तो दोनों में से क्या करनी चाहिए फिर? जितनी आपकी क्षमता है उतना ही लो जी। आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं पढ़ाई भी 8 घंटे कर लूं और मैं गायत्री मंत्र के भी 11 मालाएं जप लूं, तो ऐसे करोगे तो कष्ट होगा ही ना फिर जी। आपको जितना टाइम मिलता है आप अपने 8 घंटे की पढ़ाई को भी माला जपना ही बना लो, तो कोई उसमें प्राइवेट टाइम या साधना का टाइम का झंझट ही खत्म। ये हमने व्रत लिया था, पूरा सुबह से शाम तक का एक एक पल का जीवन है उसी को व्रत बना दो, सारा झंझट खत्म। अब आप घंटे ये मत गिनो कि कितने घंटे हमने जप किया, कितने घंटे व्रत का पालन किया, कितने घंटे हमने सांसारिक लक्ष्य के लिए काम किया। अब आप ये गिनो कि कितने मिनट ऐसी गई सुबह से शाम तक जिसमें हमने साधना नहीं की, व्रत का पालन नहीं किया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो एक ही होता है, लक्ष्य अलग थोड़ी है,
और जो आपका व्रत है उसका फल लक्ष्य की प्राप्ति है। तो इसमें आप पार्टीशन रखोगे तो फिर ये सारी, ये हमारे मन की ही सारी भावनाएं होती हैं कि मेरे को इतना जाप करना था, अब टाइम मिला नहीं, इतना मेरे को पढ़ाई भी करनी थी, तो फिर ये तो मेरा छूट जा रहा है। तो इसलिए साधक बहुत परेशान हो जाते हैं फिर। तो आप कितने भी, आप 1 करोड़ भी गायत्री मंत्र का जाप कर लो तो आपको भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी इन कीमतों से नहीं मिलते हैं, वो मूल्यातीत हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। और आप एक माला भी यदि आपको उससे जोड़ दे जिसको के लिए आप माला जप रहे हैं तो पर्याप्त, एक माला भी। संख्याओं की गिनती जो है वो अहंकार को बढ़ाती है, तो उससे कभी कभी लाभ होने की बजाय हानि हो जाती है। तो फिर संख्याएं गिन के बताते ही क्यों है कि इतना करो। प्रमाद को हटाने के लिए संख्या बताई जाती है। यदि कोई व्यक्ति खाली है तो वो हो सकता है कि 10-20 बार मंत्र जाप करके ही सो जाए, तो इसलिए उसको टारगेट दिया जाता है कि नहीं, आप कम से कम 3 माला 5 माला इतना जाप करो, ताकि वो प्रमाद ना करे। बाकी आपकी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है आध्यात्मिकता का, नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका अहंकार बढ़ जाएगा कि मैंने तो 1 करोड़ गायत्री का जाप कर लिया। और हाँ, यदि आप कर सकते हैं और आपकी भावना है तो आप जरूर करें, पर उसमें अप्रसन्नता यदि आ रही है तो निश्चित रूप से दिल की गाड़ी ठीक नहीं जा रही है। और यदि 10 करके भी मन की प्रसन्नता बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आप ठीक चल रहे हैं। वो तो फिर एक काम जैसे हो गए ना, जैसे ऑफिस के लोगों को एक काम है कि मेरे को 8 घंटे ऑफिस में ड्यूटी देनी है। अब उसका मन लगे ना लगे वो घड़ी देखता ही रहता है, अच्छा अब 7 हो गए, अब 7.5 घंटे हो गए, चलो अब 15 मिनट वॉशरूम जाते हैं, फिर बस के पास पहुंचते हैं, आधा घंटा। तो ऐसे ही उनको टाइम पूरा करना है, उस टाइम में उन्होंने क्या कमाई की उससे उनको कुछ लेना देना नहीं, बस सैलरी मिल जाएगी, 8 घंटे इसलिए पूरे करने। अब सैलरी भी मिल जाती और उसके अतिरिक्त कुछ और भी बहुत कुछ मिल जाता, ऐसा भी हो सकता था अगर उन 8 घंटे का सदुपयोग किया होता तो। तो जैसे एक नौकरी करने वाला व्यक्ति एक टारगेट बना लेता, भी 8 घंटे मेरा मन लगे ना लगे मुझे तो ये करना ही है, ऐसे ही साधक एक टारगेट बना लेता है, भाई मन लगे ना लगे जल्दी जल्दी माला जपनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, 1 दिन में 500 करनी ही है। तो उस व्यक्ति में और इस साधक में कोई अंतर नहीं है फिर, क्योंकि दोनों के ही चित्त की स्थिति एक ही है, क्योंकि इसको निपटाना है ये। जैसे और बहुत सारे काम निपटाने हैं, ऐसे ही माला जपने का काम भी निपटाना है बस। तो फिर वो लगा रहता है, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपका घमंड तो जरूर बढ़ जाएगा उससे, अहंकार तो, कि हम तो सारे दिन, कितने लोगों को देखा कि वो लगे ही रहते हैं, मतलब दूसरे से बात भी कर रहे हैं और वो माला भी चल रही है। फिर वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो संस्कार बन ही रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो बातचीत करते समय सजग रहते हुए आप उसमें भी आत्म तत्व को देखो, अपने में भी देखो, उस दृष्टि से भी हो सकता है। आप सांसों की भी माला बना सकते हैं, आप अपने कर्मों की भी माला बना सकते हैं कि सुबह से क्या क्या कर्म की करना है। यदि आपको सजगता लानी है तो किसी दृष्टि से भी ला सकते हैं, और यदि आप उससे दूर हैं तो फिर आप कितने भी काम कर लें, कितने भी यज्ञ कर लें, बड़े बड़े यज्ञ कर लें। ऐसा नहीं है कि मैं कोई यज्ञ का या जाप का मैं विरोध कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जाप तो बहुत अच्छा साधन है, लेकिन जाप कैसे होना चाहिए, तत् जपस, उसके साथ यदि नहीं जुड़े, क्योंकि जाप उससे जुड़ने के लिए है। अगर आप उससे नहीं जुड़ रहे हैं तो आपके जाप व्यर्थ हैं, और यदि आप उससे जुड़ पा रहे हैं तो आपके सारे कर्म ही जाप बन जाएंगे। और आपको कोशिश करनी भी यही चाहिए कि मेरा हर एक कर्म जप की श्रेणी का हो, तप की श्रेणी का हो, भक्ति की श्रेणी का हो, उपासना की श्रेणी का हो। फिर वो जो भी करेगा आनंद ही आनंद है। कबीरदास ने कोई माला नहीं फेरी, कपड़ा बुनना ही उनका माला फेरना है। किसी ने आपको कह दिया कि आप 3 माला 5 माला 10 माला फेरो और आप फेरने लग गए, और आपने कहा हम तो फेरते हैं 5 माला, लेकिन आपका अंदर से परिवर्तन क्या हुआ वो तो देखो ना।
वो लक्ष्य आपका है या किसी ने बता दिया? किसी ने बता दिया, आपका नहीं था। आपका होता तो हर कर्म आपका जप बनता। किसी ने कह दिया आपको कि आपको 25,000 रुपए देंगे, 8 घंटे आपको इस ऑफिस में रहना है। अब आपको इस ऑफिस में रहने का कोई शौक नहीं था, 25,000 रुपए के लालच में आप दूसरे के कहने से यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं। इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं आपके 8 घंटे ऑफिस में बैठने से, बल्कि आपके बोझ के संस्कार जरूर बन सकते हैं, अहंकार के बन सकते हैं, बर्डन के बन सकते हैं। भाई अब बैठना पड़ेगा यहाँ पे, कह दिया तो भाई उन्होंने कह दिया, फिर कभी पूछेंगे तो अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन मेरे को सबके बीच में ये कहना है कि मैं रोजाना 5 माला जपती हूँ या जपता हूँ। बस इतना सा कहने के लिए आप इतना बर्डन ले रहे हैं, तो नुकसान रोज का कितना? वो सुख तो एक क्षण का होगा। मानो बड़ों ने किसी एक दिन पूछा भी आप कितने करते हैं, तब आपने सबके बीच में गौरव से कहा जी मैं तो 5 माला रोज करता हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ। लेकिन ये 6 महीने जो आपने वो मालाएं जपी बर्डन ले ले करके, वो संस्कार कहाँ जाएंगे? वो तो आपके पास ही रहेंगे। और यदि आपने 3 माला 1 माला भी ठीक से जप ली, तो वो 6 महीने में आपको और थोड़ा एक कदम आगे पहुंचाएगी। इसलिए जप करना ही चाहिए, अधिक का अधिक फल होता ही है, लेकिन उसमें कहीं भी मन पे तनाव नहीं आना चाहिए, प्रसन्नता बढ़नी चाहिए। वो तब बढ़ेगी तद जपस तदर्थ भावना। आपको यदि वहां से कुछ रस आने लग गया ना, तो फिर आप सब काम करते हुए भी वही करोगे। इसी को कहा है अजपा जप, वो चलता ही रहेगा, छूटेगा ही नहीं, और आपको कष्ट होगा ही नहीं। बिल्कुल भी मन में ये नहीं आएगा कि जी अब क्या करें, वो थोड़ी मन में तनाव हो जाता है, इसको करें कि इसको करें, दोनों वही हैं आपके, दोनों ही काम। जो आपका कर्तव्य कर्म है वो भी आपकी भक्ति ही है। और यदि आप यहाँ कक्षा में बैठे और मतलब माला फेर रहे हो, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये आपका पाप कर्म बन रहा है, उल्टा भी तो है ना, क्योंकि इस समय आपको बिठाया है पढ़ाई के लिए, आप अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो रहे हैं, ये तो दोष बन गया आपका। आपको लगता है कि हम तो कितना पुण्य कर रहे हैं, देखो यहाँ हम क्लास में बैठे भी हैं और माला भी जप रहे हैं। नहीं, जितने अंश में आप माला जप रहे हो, उतने अंश में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जिस समय जो कर रहे हो वो कर्म ही आपकी पूजा बने, ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए कि हमारा हर कर्म ही अपने आप में पूजा है। और ये सब ऋषियों ने संतों ने वही बताया हमें, और वही करना ही पड़ेगा। आप कितने भी करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मालाएं जप लो, और आपका चित्त इस तरह से अभ्यस्त नहीं हुआ कि आप जो काम करें वहां आपका चित्त प्रेजेंट रहे, तो आपके सारे के सारे जो जप हैं वो ऐसे उड़ जाएंगे रुई की तरह से, कोई भी फल नहीं लाएंगे। तो दोनों करने हैं, और दोनों में करते हुए भाव तद जपस तदर्थ भावनम। ठीक है दीदी, एक और प्रश्न था। अच्छा बताओ। ये आपने कल बताया था कि अहंकार और श्रद्धा के बारे में, जो अहंकार होता है वो सही गलत का तर्क करवाता है कि क्या सही है क्या गलत है मुझे करना है, और जो श्रद्धा होती है वो अपने कर्तव्य कर्म का बोध कराता है कि जो भी हो मुझे क्या करना है ये करना है मुझे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे गुरुकुल में देखते हैं कि जैसे सेवा कार्य दिया जाता है समूह में, तो कुछ चुनिंदा बहनों का मतलब नाम ले दिया जाता है कि ये अमुक व्यक्ति इस काम को करेंगे, तो मतलब उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी योग्यता भी होती है, रुचि भी होती है उस काम को करने की, लेकिन उसको नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि हमें भी तो करना चाहिए, हमारी इच्छा भी है करने की, लेकिन अहंकार कहता है कि तुमको तो कहा ही नहीं गया है तो तुम क्यों करोगे, बिना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए दीदी? तो फिर बड़ों को जाके कह दो, बोल जी हमारी भी रुचि है ये काम करने की जी, तो हमें भी लगा लो इसमें,
क्योंकि कई बार जब तक आपने काम किया नहीं तो दूसरे की नॉलेज में नहीं आएगा कि आप भी इस काम को कर सकते हैं। जी। दो चार लोगों ने किया तो उनको लगता है कि केवल ये ही कर सकते हैं, तो बार बार फिर उन्हीं को बताया जाता है। तो उस समय में आप रिजू बनो, आप बोलो जी हमारी भी इच्छा है और हम भी ये काम करना चाहते हैं, हमें भी एक मौका दिया जाए। तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है एक बार करके दिखाओ, और फिर एक बार खूब अच्छे से करो तो अगली बार फिर आपको भी बताएंगे। ठीक, और कोई प्रश्न है? वैसे ये प्रश्न जो है ये मूल स्वाभाविक प्रश्न है, ऐसे होता ही है ना। जैसे इनके अर्पणा जी के दोनों ही प्रश्न मौलिक प्रश्न है, मेरे को ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं, ऐसे रोज सबके सामने आती है ये सिचुएशन, ये एक व्यक्ति के प्रश्न नहीं है, हम सबके हैं ये। हमने कोई भी नियम बना दिया तो हमें ये लगता है कि उसको पूरा करना है कैसे भी, और फिर दूसरे काम छूट जा रहे हैं तो उधर हमारा ख्याल नहीं होता है कि ये काम हमारे छूट रहे हैं। और ये यदि रहेगा तो फिर वो अंतर्द्वंद्व पैदा हो जाता है व्यक्ति का। फिर वो एक योगी संत ऋषि जो आपका सबका रास्ता है उसमें फिर वो बाधक बनता है। तो इसमें सबसे अच्छी प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का तरीका ये, जब जिस काम को कर रहे हैं उसको आप सुंदर करें, सुंदरतर करें, सुंदरतम करें, मतलब उस समय उसमें पूरा खो जाएं कि आपसे सुंदर उस काम को कोई नहीं कर सकता है। आप जब रामायण पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि एक घंटे के बाद वैसा का वैसा आप बता सकें खड़े होकर के, ये श्लोक आई, ये बातें बताई, और तुरंत आपका दिमाग, वो क्या है योग दर्शन का, एक एक क्षण में संयम करना, हाँ क्षण तत्कर्मयो संयमात, उससे विवेक ज्ञान होता है। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम, और विवेक ही हमारे को अज्ञान से बचाएगा। विवेक से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कैसे होगा? एक एक क्षण जब आप काम कर रहे हैं, आप जब सुन रहे हैं, तो आज मैंने, आज किस किस ने क्या क्या प्रश्न पूछे और मैंने क्या क्या उत्तर दिए, यदि आप खड़े होकर के अभी मेरे को बता सकें तो समझ लो कि आपने ये एक घंटे का पाठ पूरे एकाग्र चित्त से सुना है, और ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये जो आपके चित्त की स्थिति है ये आपको अन्य काम करने में भी, आध्यात्मिक उन्नति करने में भी बहुत हेल्प करेगी। और फिर इसके बाद आप जो भी करेंगे, बेशक आप खेल रहे हैं, बेशक आप दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आप धूप में बैठे दूसरे से बात कर रहे हैं, पर कहीं अंदर तीसरा एक आदमी ऐसे सजग हो के संतरी की तरह से उस बात का साक्षी बन के देखे। आप अपने ही मन के दो पार्ट करें, आपका एक मन का पार्ट आपका साक्षी बना हुआ है कि आप क्या क्या बात कर रहे हैं, और इसमें कोई ऐसी बातचीत तो नहीं है जो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, फिर आप बात करें बेशक। और थोड़े दिन आप ऐसे सजग होकर के करने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे वो अभ्यास हमारी आदत बन जाती है, और वही आदतें की हुई फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। तो जब जिस काम को करें आप इतना उसमें खो करके करें, बस ऐसा अपना स्वभाव बना लें, पूरे तल्लीन होकर के करें, छोटा काम हो बड़ा काम हो। श्री राम ऐसे करते हैं, और श्री राम को चलो आप ऐतिहासिक पुरुष मान लें तो हम अपने गुरु को ऐसे देखते हैं। श्रद्धे स्वामी जी महाराज जब जिस काम को करते हैं पूरा उसमें खो जाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं उसका। तो यहाँ तक कि साधक प्रतिकूलताओं का भी आनंद लेते हैं। ठीक है भाई, ये भी रास्ते का एक पार्ट था, इसको भी हमने निभा दिया। इसलिए दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये सब तो भगवान श्री राम की लीला थी, वो उस समय जो जो कर रहे थे वन में जा रहे, ये सब उनकी अपनी लीला थी। लीला मतलब क्रीड़ा, ये तो उनकी क्रीड़ा, ये कृष्ण की क्रीड़ा थी। तो क्रीड़ा आप कैसे करते हैं ग्राउंड में, क्रीड़ा में आनंद आता है ना आपको, आनंदित होकर के जिस काम को करें वो क्रीड़ा बन जाता है।
और बर्डन लेके जिस काम को करें वो दुख बन जाता है। तो जो आदमी अपने सारे कर्मों को आनंद लेकर के करे तो उसका पूरा जीवन ही क्या बन जाए, क्रीड़ा बन जाता है। फिर तो हर काम में आनंद लेना सीखे व्यक्ति, अभ्यास करने से ही होगा ऐसे कि जो मैं ये काम कर रहा हूं तो इसमें मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उसमें जुटा दिया मेरे को और मैं जुटा हुआ हूं, मेरा अपना कोई लेना देना नहीं है। ऐसा एक क्षण भी आदमी को नहीं बनाना चाहिए अपने जीवन का। तो आज प्रश्नोत्तर में ही सारा समय हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी पढ़ाई का ही एक पार्ट है प्रश्नोत्तर भी। तो ये जो इनका पुरुषार्थ और दैव का जो इनका संवाद है श्री राम और लक्ष्मण का, ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।